ले लो 2030 तक। उसके बाद दुनिया पूछेगी कि आपको ये स्टॉक किसने बताया था। और आपको एक बात बता दूं दोस्तों, आज मैं बोल रहा हूँ लेने के लिए तो आप सोचते बहुत महंगा है। 2030 में आप कहेंगे कि सर काश मैं ले लिया रहता, आपने बताया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये स्टॉक जो आप देख रहे हैं ये गोल्ड है। गोल्ड क्यों कि आपको आप दिखा दें कि ये स्टॉक क्यों क्यों गोल्ड है। ये देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक जो ये देख रहे हैं ये टॉप यहाँ बनाया हुआ है, दूसरा टॉप यहाँ बनाया हुआ है और तीसरा यहाँ पे है दोस्तों और चौथा यहाँ पे है। पांचवा जब बनाना शुरू करेगा और ये कब बनाएगा वो भी हम आपको बताते हैं। 1 महीना में 20% का प्रॉफिट दिया और ये 20% जो दिया है ये स्टॉक यहाँ से ऐसे गया और फिर ये पार्लर गया। अब ये यहाँ पे आने के बाद जो रफ्तार चलेगी इसकी वो भी हम आपको बता दें। ये सीधे 2 और ये 3, 3 बार हाई बनाकर और फिर थोड़ा आराम करने वाला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा स्टॉक जो है आपको मैं बताने वाला हूँ वो है आपको टाटा मोटर। और ये स्टॉक जो है 75 रुपये का जब था तब से हम आपको बताते आ रहे हैं और ये आपको क्या करने वाला है वो आप जानिए पहले। ये और ये दो जो टॉप बनाया है और ये तीसरा जो टॉप बनाया आपको, आपको क्या लग रहा है कि स्टॉक रुक जाएगा? ये रुकने वाला नहीं है क्योंकि ये जो खेल जो करेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये स्टॉक जो है ₹530 के आसपास जाएगा आएगा, फिर ये 700 के पार आपको देखने को मिलेगा। ये भी जान लीजिए टाटा मोटर बढ़िया स्टॉक है, हर गिरावट में खरीदारी करिए 2030 तक। दूसरा स्टॉक मैं बता दूं जो महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये स्टॉक दुनिया के कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये पूरी कुंडली मैं आपको बता दूं तब आपको समझ में आएगा ये स्टॉक कैसे चलता है वो भी हम आपको बता दें। हर 6 महीने बाद, और आज का ये टॉप बनाया है जो आज देख रहे हैं 1401 रुपया, महिंद्रा महिंद्रा ये 1401 नहीं है दोस्तों, ये आपको 2400 रुपये समझ लीजिए। और ये अब रुकने वाला नहीं है क्योंकि ये जो देख रहे हैं आपको 1.67 लाख करोड़ का मार्केट कैप और प्राइस अर्निंग 15, दुनिया के कोई ताकत इसको 2400 जाने से नहीं रोक सकती। कितना
2400, याद रखिएगा 2030 तक हर गिरावट में खरीदारी करते रहिए। दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं, जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं इंटर ग्लोब एविएशन, और हम आपको ज़्यादा नहीं एक सप्ताह पहले बताए थे कि उठा लो माल, उठा लो माल, एक महीने से मैं चिल्ला रहा हूँ उठा लो माल, उठा लो माल। ये स्टॉक जो करने वाला है वो आपको मालूम नहीं है। 2030-35 में, 2030-35 में, 2030-35 में जो 2030 से लेकर 2030-2035 में ये स्टॉक आप जो देख रहे हैं 2500, ये सीधे 5000 के पार, और उसके बाद बोनस देकर स्प्लिट होकर ये फिर आपको उसी रफ्तार से बनेगा। नेक्स्ट हीरो मोटर कॉर्प, उठा लो माल दबा कर जितना उठाना है, और बन जाओ राकेश झुनझुनवाला की तरह, टाइटन का बाप है दोस्तों, ये भी जान लीजिए। दूसरा बजाज ऑटो, बजाज ऑटो ये, और मैं बार बार बोलता हूँ कि सोमवार मंगलवार, कल ही बताया था सोमवार और मंगलवार, सुबह सुबह तो बहुत ज़बरदस्त था। ये कहाँ था? 6673 रुपये का था, और ये तो अभी कुछ नहीं है दोस्तों। बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा और TVS मोटर, ये स्टॉक मंगलवार था, आप लोग जानते हैं सभी लोग। लोग पूछेंगे कि कौन बताया था आपको, और देखिए इसकी कहानी आपको मैं बता दूं कैसे ये उड़ता हुआ चला जा रहा है। लेकिन इसी बीच में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों अमेरिका से, फेड की। क्या फेड का और अमेरिकी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से भारतीय शेयर बाजारों में क्या असर इसका पड़ेगा? बजाज ऑटो हो या टाटा मोटर हो या हीरो मोटर कॉर्प हो या आपको TVS मोटर हो, भारतीय शेयर बाजार में एक बार उसका असर तो पड़ेगा। तो इंतज़ार कीजिए दोस्तों, महागिरावट का इंतज़ार कीजिए, और उसके बाद ये 4+3 7 स्टॉक खरीद लीजिए 2030 तक। लोग पूछेंगे कि किसने बताया था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब आइए दूसरे इसी वीडियो में मैं बता दूं, 7 रुपया का स्टॉक और
13 रुपये का स्टॉक, ये 7 रुपये 60 पैसा का स्टॉक जो है ये क्या खेल करने वाला है। तो अगर लंबे समय का खेल खेलना है दोस्तों, तो लगातार इसको अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाते रहिए, हर गिरावट में जिस प्राइस में खरीदे कभी भी खरीद सकते हैं इसको, ये स्टॉक आपको बना देगा माला माल। दूसरा तरफ आपको मैं बता दूं, सुजलन एनर्जी, हर गिरावट में खरीदारी करते रहिए, जब भी मौका मिले, जब भी आपके पैसे हों, इस स्टॉक को खरीदारी करते रहिए। अब देखिए यहाँ पर क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये जो स्टॉक है और यहाँ जो आपको मिल रहा है जिस प्राइस में, यहाँ अभी रुकने वाला नहीं है, ये सीधे हवा से बात करेगा और आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।